हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर भोपाल से लाइव वार्ता बताने वाला हूं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर भोपाल में क्या चल रहा है, ठीक है। अतिथि शिक्षकों के समर्थन में पीसी शर्मा जी भी पहुँचे और उन्होंने नियमितीकरण की मांग रखी है। पूरी वार्ता में बताने वाला हूँ पीसी शर्मा जी ने क्या कहा है, ठीक है। और अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने की क्या घोषणा की है पीसी शर्मा जी ने, स्पष्ट बोला है अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा अगर कांग्रेस सरकार दोबारा से आती है तो, ठीक है। उनने 11 महीने का भी जिक्र किया है कि आपका नियमितीकरण क्यों नहीं कर पाए, उसका भी कारण उन्होंने बताया, ठीक है। और अब बोला गया है कि कमलनाथ जी ने स्वयं भेजा है पीसी शर्मा जी को अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करवाने के लिए, ठीक है। भोपाल में पूरी विस्तार से जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। अतिथि शिक्षक एकता, अतिथि शिक्षक एकता, अतिथि शिक्षक महासंघ, अतिथि शिक्षक महासंघ। कोई भूमिका से बात नहीं करूंगा, सीधी बात करूंगा। और मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि जाकर अतिथि शिक्षक का जो धरना है उसमें जाइए और उनसे बात कीजिए। उनके निर्देश पे आया हूँ और पवार जी आपके अध्यक्ष और बाकी सभी हमारे भाइयों बहनों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कोई सी ऐसी मीटिंग नहीं हुई होगी जहाँ मैंने अतिथि शिक्षक का सवाल या ध्यानाकर्षण नहीं लगाया हो, और उसके कोई ऐसा विधानसभा का सत्र नहीं हुआ होगा। अभी 27 तारीख से है, लेकिन आपका सवाल, आपकी बात ऑलरेडी विधानसभा में रख चुका हूँ। और दूसरी बात, ये बात सही है जो आपने कहा कि हमारी जो 11 महीने की सरकार रही, 11 महीने की सरकार लगभग रही क्योंकि 4 महीने लोकसभा के चुनाव के आचार संहिता लग गई थी और उसके तुरंत बाद ये धर पकड़ शुरू हुई। 35-35 गांवों में विधायक बन गए और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बन गई। ये जो कुछ भी था, ये निश्चित तौर पर ये चर्चा आई थी, पूरा मुद्दा बता था कि कैसे किया जाए। अभी मेरी बात हुई पवार जी से कि भाई ये बात आ रही थी कि नियमितीकरण कैसे किया जाए। भाई परीक्षा में बैठ जाओ, उससे तो होगा नहीं। आपकी डिपार्टमेंटल परीक्षा हो, डिपार्टमेंटल परीक्षा में आपको सेलेक्ट करके नियमित कर दिया जाए। जो आज बात हो रही है कि साहब जो परीक्षा बाकी लोगों के साथ, तो नए फ्रेश लोगों के साथ बैठ जाइए और परीक्षा दे के आ जाइए। ये सब उस समय के इशू हम लोग तय हो रहे थे कि किस तरह से इनको नियमित किया जाए, क्योंकि एक लंबी संख्या है आपकी 70,000 की और सबको नियमित करना है तो कोई प्रोसेस होगी। वो प्रोसेस करते करते स्थिति ये आई कि सरकार चली गई। लेकिन फिर कहा है कमलनाथ जी वचन के पक्के हैं, जो वचन किए गए थे उस समय पहले किसानों के मामले में, तो वो पूरा किया और 11,000 करोड़ रुपए 27 लाख किसानों के माफ हुए। ये काम हुए, 100 रुपए 100 रुपए बिजली हुई। आज बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, बिल नहीं दे रहे हैं तो ट्रांसफार्मर उखाड़ लेते हैं। ऊर्जा मंत्री के क्षेत्र से 300 करोड़ रुपए ड्यू है, वहां नहीं होता। गरीब आदमी पिस रहा है, आम आदमी पिस रहा है। ये स्थिति है, महंगाई साथ में आसमान पे और बेरोजगारी चरम पर है। इन सब परिस्थितियों में ये होना था। हमने तो ये भी कह दिया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू की जाए जिससे कर्मचारियों को उसका फायदा मिल सके जो 2005 के बाद आए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कमलनाथ जी की तरफ से कि ये वचन पत्र में ये रहेगा, वचन पत्र में ये आपकी जो मांग है नियमितीकरण की रहेगी कि सबको किया जाए। और जो आपने मुद्दा उठाया है कि अलग से डिपार्टमेंटल परीक्षा लेकर आप सबको नियमित करने की प्रोसेस हो, इस बात को हम करेंगे, ये मैं आपसे कहकर जा रहा हूँ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कमलनाथ जी की तरफ से कह रहा हूँ। तो ये हम उसको रखेंगे और इसीलिए हिम्मत रखते हैं आपके मीटिंग में आने की, और इसीलिए हिम्मत रखते हैं क्योंकि बार बार, और ये तो आपका हो गया,
23 तारीख को 12 बजे मैं ये सब मांगों को लेकर, आपकी मांगों को लेकर हम प्रदर्शन करेंगे और गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब के नाम से ज्ञापन देंगे विंध्याचल पे एसडीएम को कि ये मांगे चाहे अतिथि शिक्षक की हो या और कर्मचारियों की हो, इनको अपने अभिभाषण में 27 तारीख को बोलिए गवर्नर साहब, ये चिट्ठी हम गवर्नर साहब को देंगे कि आप अभिभाषण में डालिए कि ये अतिथि शिक्षक हो चाहे बाकी कर्मचारियों की मांग हो चाहे सचिव वर्ग की हो चाहे बाकी सबकी हो, ये उसमें आना चाहिए, ये ज्ञापन देके प्रदर्शन करेंगे। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें जरूरत नहीं है कोई कर्मचारी आए, उसमें हम लोग जाएंगे, हमारे साथी जाएंगे और ये मांग करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये सदन चले तो वर्कआउट करें, अभी चली कर रहा है, अरे दो 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 सदन तो हो क्या रहा है, सदन 3 दिन चलता है, सदन 3 दिन चलता है, 1 दिन के जो विधेयक होते हैं सरकारी वो पास कराते हैं, दूसरे दिन बजट जो खर्चा करना है इनको वो बजट पास कराते हैं, चलता कहाँ है, ये बंद हो जाता है बुमा सदन। अगर सदन चला तो वॉकआउट भी करेंगे, टॉकआउट भी करेंगे, हर चीज करेंगे। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कमलनाथ जी जो नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री और जो उनका पूरा नॉलेज है, जिस तरह से ये पूरा कंगाल कर गए थे, बजट नाम की चीज खत्म कर दी थी इनने, उसके बावजूद जो वचन दिया था किसानों का हम करते जा रहे थे, बारी आपकी थी, एक एक करके थी, और उस कैबिनेट की एक आखिरी बैठक में जब खत्म ही हो रहा था तब उस बैठक में 5% डीए मिले कर्मचारियों को, ये हमने पास कराया, क्योंकि मेरा क्षेत्र कर्मचारियों का है, पूरी लड़ाई कर्मचारियों की, हर एक वर्ग की लड़ता हूँ, जमीन पे विधानसभा में सब जगह लड़ते हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनकी भावना बिल्कुल ठीक है, ये मान के चलिए कि 23 में इसी साल नवंबर में सरकार बनती है तो अतिथि शिक्षक का नियमितीकरण होगा और जो प्रोसेस आपने बताई है उस प्रोसेस से होगा, बस ये मैं कह रहा है, धन्यवाद जय।